बदायूं के जिला अधिकारी दीपा रंजन ने पत्रकार वार्ता करते हुए पत्रकारों से टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक करने की अपील की। जिलाधिकारी ने कहा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 18 वर्ष से ऊपर के लोगों के टीकाकरण के लिए 1 जुलाई से विशेष मुहिम चलाने की तैयारी है। प्रशासन अपनी तरफ से कोरोना के टीकाकरण में तेजी लाने के लिए सभी प्रयास कर रही है। गाँव में कैंप लगाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। गाँव के प्रधान के साथ विशिष्ट लोगों को टीका लगाकर अन्य ग्रामीणों को प्रेरित किया जा रहा है। टीकाकरण से संबंधित भ्रम को दूर करने के लिए सभी धर्म के धर्मगुरुओं से मदद ली जा रही है। जिलाधिकारी दीपा रंजन ने बताया टीकाकरण से संबंधित भ्रांतियां या अफवाह फैलाने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आग्रह है कि ये अधिक से अधिक संख्या में लोग वैक्सीनेशन कराएं। वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वैक्सीनेशन कराएं ताकि जन सामान्य को सामान्य गति दी जा सके, बच्चों के स्कूल खुलवाए जा सके, आर्थिक गतिविधियां सुचारू रूप से संचालित की जा सके। इसके लिए हम लोग प्रत्येक गाँव में कैंप लगा रहे हैं। प्रत्येक गाँव में हमारे स्वास्थ्य विभाग के प्रशासनिक अधिकारी की टीम जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हर एक व्यक्ति का टीकाकरण कराना हमारा संकल्प है, इसको हम लोग पूरी तरह से कराएंगे। अंशुल जैन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अंशुल, बदायूं में डीएम ने पत्रकारों से अपील की कि लोगों को टीकाकरण के लिए जागरूक किया जाए। अपने चैनल के माध्यम से भी हम लोगों से यही अपील करना चाहेंगे, क्या कुछ अपडेट देना चाहेंगे आप? जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि बदायूं में वैक्सीनेशन के लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। वहीं जिलाधिकारी दीपा रंजन ने एक प्रेस वार्ता करी, उन्होंने पत्रकारों से भी कहा है कि वो लोगों को अवेयरनेस लाएं जिससे ज्यादा टीकाकरण कराया जा सके और जो कोरोना की बीमारी फैली हुई है उस पर रोकथाम लगाई जा सके। जी, वहीं दूसरी तरफ बदायूं में अगर बात करें टीकाकरण अभियान किस तरह चल रहा है और किस तादाद में लोग टीकाकरण के लिए आगे आ रहे हैं, कितने जागरूक हैं बदायूं के लोग? जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा बदायूं में टीकाकरण अभी विशेष रूप से तेजी से नहीं चल रहा है। उसी के लेकर सारे अधिकारी बराबर प्रयास कर रहे हैं, जिले के अधिकारी, कि किसी तरीके से टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाई जाए। लेकिन बदायूं में जिस हिसाब से टीकाकरण होना चाहिए, जैसे जिस तरीके से काफी सेंटर्स पे इस टाइम वैक्सीनेशन किया जा रहा है, महिला अस्पताल में भी अलग से महिलाओं के लिए भी सेंटर बना दिया गया है, वहीं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी सेंटर है, शहर के एक कई बस्तियों में भी सेंटर बनाए गए। लेकिन लोग जिस हिसाब से टीकाकरण कराना चाहिए उस हिसाब से लोग अभी जागरूकता नहीं है, लोगों में लोग नहीं पहुंच रहे टीकाकरण के लिए। जी, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया आपका।